वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ से जेंडर को भेजा जाता है। तो आप मेरा यह फर्स्ट मोबाइल देख सकते हैं जिसमें कि एक जेंडर शो हो रहा है। और चलिए मैं आपको सेकेंड मोबाइल दिखाता हूँ जिसमें कि जेंडर नहीं है। आप देख सकते हैं सेकेंड मोबाइल में कहीं भी जेंडर नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे फर्स्ट मोबाइल से दूसरा मोबाइल में जेंडर भेजते हैं, वो भी ब्लूटूथ की मदद से। तो चलिए फर्स्ट मोबाइल में सबसे पहले आपको क्या करना है, जेंडर ओपन करना है। तो चलिए यहाँ से जेंडर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऊपर टॉप में देख सकते हैं प्लस का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे की तरफ देख सकते हैं शेयर जेंडर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे ब्लूटूथ से भेज सकते हैं या फिर हॉटस्पॉट से भेजते हैं। चलिए ब्लूटूथ से भेजते हैं। तो ब्लूटूथ से भेजने के लिए आपको ब्लूटूथ वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बोला जाए कि सेकेंड मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करें। तो चलिए सेकेंड मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन करते हैं। यहाँ से सेकेंड मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लें। उसके बाद फर्स्ट मोबाइल पर आइए। उसके बाद यहाँ देखें शेयर यूजिंग ब्लूटूथ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना ब्लूटूथ ऑन करें, यानी फर्स्ट मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से ऑन कर दे। ऑन करने के बाद देख सकते हैं गैलेक्सी J7 नेस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि यह सेकेंड वाला मोबाइल का है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सेकेंड मोबाइल में एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। जैसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे सेकेंड मोबाइल से, अब देख सकते हैं फर्स्ट मोबाइल से यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और सेकेंड मोबाइल में रिसीविंग हो रहा है। तो इस तरह से आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ की मदद से आप जेंडर को शेयर कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरह से शेयर होने दीजिए, यानी रिसीविंग होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मैं आप परमिशन दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने दीजिए, उसके बाद चलिए ओपन करते हैं। ओपन करके आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ की मदद से आसानी से, बहुत ही आसानी से जेंडर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आ चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया। पसंद आया तो कमेंट करके बताएं।